फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेवंस किचन में। तो आज हम साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। साबूदाना अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए भिगा देंगे। बटाटा, शेंगदाना, मिर्ची, शेंगदाना डाल देंगे आप और इसे अच्छे से भून लेंगे। हमारा शेंगदाना अच्छे से भून गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम शेंगदाने का छिलका निकाल के उसे पीस लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बटाटे डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसका फ्लेम लो करके 10 मिनट्स के लिए ढक करके रख देंगे। अब हमारा बटाटा अच्छे से पक चुका है, अब इसमें साबूदाना डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें पिसी हुई शेंगदाना डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे लो फ्लेम पे ढक करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो लो, तैयार हो चुका हमारा साबूदाना खिचड़ी, अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे।